तो दोस्तों आजकल के टाइम में हर एक चीज़ के एसेसरीज आते हैं, चाहे कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, कुछ भी हो, सेम वैसे ही बहुत सारे एसेसरीज और अटैचमेंट आते हैं ड्रिल मशीन को लेकर। तो हे दोस्तों, आप लोग वी फोर वीडियो, आज के वीडियो में हम लोग कुछ 5 यूजफुल अटैचमेंट को लेकर बात करने वाले हैं, टेस्ट करने वाले हैं, ड्रिल मशीन में लगाने वाले। तो आप लोग कमेंट में ये भी बताना कि आपको उनमें से कौन सा अटैचमेंट सबसे यूजफुल लगा और कौन सा अटैचमेंट आपके बहुत काम आने वाला है। और मैं सभी अटैचमेंट के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जो कि आपको अमेजॉन और फ्लिपकार्ट में मिल जाएंगे। चलिए बारी बारी से एक एक अटैचमेंट को टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कितना यूजफुल है। तो भाई पहला अटैचमेंट है 6 पीस का सर्कुलर सा ब्लेड। इसे मैंने यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों को अपनी ड्रिल मशीन के साथ यूज़ करते हुए देखा था और बहुत सारी वीडियो में भी देखा था, तो मुझे देखने में काफ़ी यूज़फुल लगा। तो भाई मैंने भी मंगा लिया और इसे यूज़ करना चालू कर दिया और इसे लिए हुए 6 महीने हो गए। लेकिन भाई ड्रिल मशीन से यूज़ करने पर आप लोग देख लो, बहुत दिक्कत आ रही थी। ड्रिल मशीन बेकाबू हुई जा रही थी, कुछ भी इसे काटते बन ही नहीं रहा था। मतलब जो नॉर्मल ड्रिल मशीन होती है उसमें लगाकर हम लोग अगर इसे यूज़ कर रहे थे तो कुछ भी कट नहीं रहा था, बड़ी दिक्कत कर रहा था। इससे कोई भी चीज़ काटना, खासतौर से ड्रिल मशीन में लगा के, काफ़ी असुविधाजनक था, क्योंकि ड्रिल मशीन होती है काफ़ी बड़ी और इसका आरपीएम भी देखा जाए इसके हिसाब से काफ़ी कम होता है, केवल 2000 होता है। इस वजह से ड्रिल मशीन में काफ़ी दिक्कत कर रहा था। इससे अच्छा था कि भाई एक छोटी वाली आरी ले लो, उससे ही चीज़ें को कट कर लो। तो भाई अगर आप ड्रिल मशीन में लगा के यूज़ करने वाले हैं तो मैं आपसे ये कहूँगा कि उसकी बजाय आप लोग छोटी ये वाली आरी ले लो, उसको मत लो। लेकिन इन वाली सर्कुलर ब्लेड को कुछ इस तरीके के मिनी रोटेटिंग ग्राइंडर के साथ यूज़ करना सुविधाजनक हो सकता है, या फिर डीसी मोटर के द्वारा खुद से बनाए गए एक मिनी रोटेटिंग ग्राइंडर के साथ इन ब्लेड को यूज़ करना सुविधाजनक हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक और दिक्कत आती है इन ब्लेड को यूज़ करने पर, यूज़ करते करते ये इतने ज़्यादा टाइट हो जाते हैं इसके एक्सटेंशन में कि भाई खोलना मुश्किल हो जाता है। तो इसको खोलने के लिए मुझे गैस टॉर्च से यहाँ पे गर्म करना पड़ता है, तब जाके बड़ी मुश्किल से इसका ब्लेड ओपन होता है। और दूसरा प्रोडक्ट है ये स्पेयर बिट। अगर आपको बनाने होल, लंबे होल लकड़ियों में, तो ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है। वैसे कारपेंटर लोगों के लिए एक नॉर्मल सा टूल है, लेकिन कभी कभी हम लोगों को भी ऐसे टूल की ज़रूरत पड़ जाती है। तो सिंपली इसकी मदद से हम लोग 10 mm से लेकर 25 mm तक की होल, लंबे होल लकड़ियों में बना सकती हैं। वैसे छेद बनाने के लिए मैंने बोस ब्रांड की बिट का यूज़ किया था, तो मैं उसकी भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो तो पूरा सेट है एक। तो अगर आपको अपने DIY प्रोजेक्ट्स में या फिर होम यूज में बनाने हैं बड़े होल, बड़े डायमीटर की होल, तो भाई ये 11-piece होल सॉ किट आपके बड़े काम आने वाली है, क्योंकि इसकी मदद से आप लोग बड़े डायमीटर की होल आसानी से अपनी ड्रिल मशीन के जरिए बना सकते हैं। आप लोग देख लो, इसमें 11 होल सॉ मौजूद हैं, जो कि मैं काफ़ी समय से यूज़ कर रहा हूँ, इसी वजह से गंदे हो गए हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरीके से आप लोग इसकी मदद से PVC पाइपों, MDF बोल्डों या फिर पतले प्लाईवुडों में आसानी से बड़े डायमीटर के होल बना सकते हैं। और चौथा अटैचमेंट है ये ब्रास वायर ब्रशेस। तो ये 5 अलग अलग आकार के, अलग अलग साइजेस के ब्रशेस का पैकेट है, और इसकी मदद से आप लोग किसी हार्ड सतह पे जमी हुई गंदगी, ऐसे कुछ बहुत मजबूती से चिपक गया है, जम गया है, उसे साफ कर सकते हैं, हटा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर काई जमी हुई है ईंटे पे कुछ और जमा हुआ है, ईंटे पे सीमेंट का मसाला जम गया है, ऐसा ही कुछ हटाना है तो इसका यूज़ किया जा सकता है। या फिर आप लोग इसका यूज़ कर सकते हैं लोहे की सतह पे जंग को हटाने के लिए। बाय चांस आपको कुछ पेंट करना है और लोहे पे बहुत सारा जंग लगा हुआ है, तो इस ब्रास वायर ब्रश की मदद से आप लोग पहले जंग को हटा दीजिए, साफ कर लीजिए, और उसके बाद आप लोग आसानी से उसके ऊपर पेंट कर पाएंगे। आप लोग चाहें तो 2-3 एग्जांपल आप लोग कमेंट में बता सकते हैं इस ब्रश के यूजेस को लेके, तो कमेंट में आप लोग बताना जरूर। और 5वां अटैचमेंट है ये फ्लेक्सिबल एक्सटेंशन स्क्रूड्राइवर ड्रिल शाफ्ट, जो कि मैनुअल स्क्रूड्राइवर में, अल्कलाइन स्क्रूड्राइवर में या फिर ड्रिल ड्राइवर में आसानी से लग जाता है और ये आपके बड़े काम आने वाला है। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास एक ड्रॉवर है, तो ड्रॉवर के नीचे लगा हुआ है एक लॉक वाला हिस्सा, ये देखो,
और इसमें लगे होते हैं दो स्क्रू, और यहाँ पे किसी स्क्रू ड्राइवर का पहुँचना काफ़ी दिक्कत वाला काम हो सकता है, जैसे कि हमें इसे टाइट करना है या फिर ओपन करना है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक नॉर्मल साइज़ का स्क्रू ड्राइवर है जिसकी लेंथ करीब इतनी होती है, तो इसकी मदद से तो यहाँ पे हम लोग इसे खोल ही नहीं सकते हैं, और बिना इसे हटाए बिना हम लोग इसका ड्रावर भी नहीं हटा सकते हैं। और बाई चांस अगर हमारे पास एक छोटा स्क्रू ड्राइवर है भी, तो भाई हो सकता है कि उसकी मदद से भी हम लोग ना खोल पाएँ, क्योंकि छोटे स्क्रू ड्राइवर में ताकत लगाना मुश्किल हो जाता है और टाइट करने में भी दिक्कत आ सकती है, तभी काम आएगा ये। तो जिन जगहों पे हमारा हाथ नहीं पहुंच सकता तो भाई वहां पे ये अटैचमेंट बहुत काम आने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट में बताना। वैसे इसका यूज ड्रिल एंड ड्राइवर मशीन के साथ सबसे बेस्ट है। तो भाई मुझे ये वाला अटैचमेंट सबसे बेस्ट लगा, मतलब ये ड्रिल एंड ड्राइवर में भी लग जाता है, एल्कलाइन स्क्रू ड्राइवर में भी लग जाता है, और इसका यूज़ हम लोग मैनुअल स्क्रू ड्राइवर से भी कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात तो यही थी कि भाई जहाँ पर हमारा लोग का हाथ नहीं पहुँच पाता था वहाँ पे हम लोग इसकी मदद से स्क्रू टाइट कर सकते हैं, लूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया 5 इम्पॉर्टेंट यूज़फुल ड्रिल मशीन में लगाने वाले अटैचमेंट। आप लोग अपना फेवरेट अटैचमेंट या फिर सबसे यूज़फुल अटैचमेंट कमेंट में बताना, साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना दबा देना, ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए।